वेलकम दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों ये जानकारी हमें कल ही प्राप्त हुई थी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 पूरा होने वाला है और इनकम टैक्स का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट मिली है और ख़ासकर वो मिडिल क्लास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बशर्ते साथियों के उसमें जो है जो सेविंग्स होगी एम्प्लॉयज़ की वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके लिए टैक्स स्लैब बदल दिए गए हैं। वो टैक्स स्लैब्स क्या हैं और कितनी लिमिट्स रखी गई है, क्या क्या स्लैब्स दिए गए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले दोस्त हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपको सामने स्लैब दिखाया जा रहा है, आप इस स्लैब को देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स इस स्लैब्स के अंदर आई हैं। तो दोस्तों आप स्लैब्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स की दर 5% है। लेकिन फरवरी 2019 में पेश अंतरिम बजट में 5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को टैक्स में 12,500 रुपये की राहत दी गई थी। इसके लिए टैक्स की देनदारी शून्य हो गई, यही व्यवस्था आगे भी बनी रहेगी। इनकम टैक्स के 4 की जगह 7 स्लैब्स होंगे। दोस्तों वो क्या होंगे, पहली बार इनकम टैक्स के 7 स्लैब बनाए गए हैं। अब 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 15% और 10 से 12.5 लाख रुपए तक पर 20% और 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25% और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% टैक्स की दर लागू होगी। अब तक 5 से 10 लाख रुपए पर 20% था और 10 लाख रुपए से अधिक पर 30% का टैक्स था, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था, उससे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था। दोस्तों अब आमदनी के साथ साथ टैक्स रेट भी कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को होने वाला है, खासकर मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ को। करदाता के पास नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने की का भी विकल्प जो है अब की बार दिया गया है। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाता चाहे तो पुरानी व्यवस्था में बने रह सकते हैं। नई व्यवस्था में कितना लाभ होगा इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अगर किसी की सालाना आय 15 लाख रुपये है और वह किसी भी छूट का लाभ नहीं ले रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।